हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी प्यार और दुआ की वजह से हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो अभी बज रहा है सुबह का 6:30 और 6:30 से मेरा रूटिंग जो है 6 से मेरा रूटिंग स्टार्ट हो रहा है। पहले ताला खोलना है घर का, अभी तक गेट भी हम नहीं खोले। अभी जस्ट सो के उठे हैं और किचन उचन सब कुछ अंधेरा है। चलिए लाइट ऑन करते हैं। पहले बासी, हम लोग में बोलता है बासी किचन रहता है, तो बासी किचन को पहले झाड़ू लगा लेंगे, फिर जाके दूसरा काम स्टार्ट करेंगे। और पता है सुबह सुबह अच्छा नहीं लगता, उठने का मन ही नहीं करता, लेकिन क्या कीजिएगा, उठना तो पड़ेगा। हस्बैंड को ऑफिस जाना है और आज तो फिर भी ठीक है, कल से बाबू का भी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएगा तो और दिक्कत आ जाएगा। तो पहले मैंने किचन को इधर झाड़ू लगा लिया और ताला चाबी भी मैंने दोनों तरफ का खोल दिया। अब मैं पूजा रूम खोलूंगी और भगवान का दर्शन करूंगी, फिर जाके ये वाला जो पंखा है अभी बंद कर देंगे, क्योंकि रात भर चलता है, गर्म हो जाएगा, हीट हो जाएगा, इसलिए बंद कर देंगे। तो अभी मेरा सुबह का रूटिंग आधा अधूरा हुआ है। अब मुझे अपने फेस होना है, ब्रश करना है, तो चलिए पहले मैं अपने ब्रश कर लेती हूँ, फिर बाकी का काम स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने ब्रश ले लिया और पता है मैंने ब्रश जिधर बारी मेरा है ना, पेड़ उड़ लगा उधर थोड़ा सा, मतलब हाँ, पैदल हटते हटते मैं ब्रश करती हूँ, अच्छा लगता है। ब्रश मेरा कंप्लीट हो चुका है तो निकाल लेते हैं फ्रिज से जो कुछ भी निकालना है। सुबह पहले आटा निकाल लेंगे और दूध निकालेंगे, क्योंकि सुबह चाय का जरूरत है, तो दूध और आटा। आटा मेरा थोड़ा सा साना हुआ था तो मैंने आटा दूध वगैरह निकाल लिया। अब जाएंगे किचन और सीधा काम स्टार्ट कर देंगे। तो एक दिन मटर का घुगनी दी, एक दिन छोला, टिफिन तो मेरा रोज। अब देखते हो आज मैं बनाऊंगी मिक्स वाला दाल, और मिक्स वाला दाल में मैंने सारा सब्जी थोड़ा थोड़ा काट दिया था, उसका साथ लहसुन प्याज भी दिया था, जो जो सब्जी अवेलेबल था। 2 किस्म का मैंने दाल ले लिया था। अब ये सबको धो के नमक हल्दी दे के मैं चढ़ा दूंगी इंडक्शन पे, पता हूँ नमक हल्दी दे के मैं इंडक्शन पे चढ़ा दी। अब देख सकते हो तो ये दाल जब तक उबल जाता है तब तक मैं जो है अपना ड्रिंक पी लेती हूँ। ये विनेगर है, आपको पता है एप्पल सीड का, तो इधर मैंने आटा निकाल के रेस्ट में दे दिया था। और उसका बाद मैं हस्बैंड को बाजार भेज रही हूँ, 500 रुपये दे के मैं भेज रही हूँ, क्योंकि सब्जी वगैरह कुछ लाना है। और इधर मैं आ गई हूँ टिफिन पैक करने के लिए, तो टिफिन में मैंने दिया 2 लड्डू और रोटी और दाल। दाल इतना ज़्यादा टेस्ट बना था, फेस दाल बहुत ही सुंदर बना था। तो दाल में मैं आप ऐड कर दूंगी थोड़ा सा अचार का तेल और एक अचार, ये खट्टा मीठा वाला स्वाद आएगा, बहुत ही अच्छा लगता है। तो जो मैंने अचार बनाया था गाइस, इतना टेस्टी अचार बना, क्या बोले। अचार का रेसिपी मेरा यूट्यूब चैनल में है, अगर आपको लोग में से अभी भी कोई नहीं बनाया तो जाके जरूर वॉच कर लीजिएगा और बनाइएगा जरूर। अचार बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, बहुत ज़्यादा टेस्टी, और इतना जल्दी अचार बन गया था कि क्या बोले। तो इधर मेरा देख सकते अचार कितना अच्छा लग रहा था। तो अचार बन के हो चुका था तैयार। अभी हम लोग अचार रोज खाते हैं चावल के साथ, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे आम का अचार बहुत पसंद है, सब अचार से ज़्यादा आम का अचार अच्छा है। किसी को मिर्ची आदर बहुत किस्म का अचार अच्छा लगता है, लेकिन मुझे आम वाला अच्छा लगता है। तो दाल को मैंने यहाँ पे ठंडा करने के लिए रख दिया, क्योंकि ठंडा नहीं करेंगे तो दिन भर ही हम लोग का, मतलब लंच में भी करेंगे तो फिर। ये हस्बैंड को मैं नाश्ता दे रही हूँ, हस्बैंड बाजार से लेके आए थे मछली, क्योंकि आज बुधवार था, आज हम लोग मछली खा सकते हैं, कल बृहस्पति है, फिर कल नहीं खाएंगे, तो मछली लेके आए थे। और ये कतला माछ था, माछ का साइज बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और सब्जी मैंने यहाँ लौकी काटा था, मछली का झोल के लिए आलू, और इधर प्याज लेके आए और टमाटर और मिर्चा, यही लेके आए थे हस्बैंड बाजार से। तो वो अभी नाश्ता करके निकल चुके हैं ऑफिस, तो वो ऑफिस जाने के बाद मैंने मछली धो लिया, मसाला बना लिया था, मछली धो के नमक हल्दी लगा दिया था, और इधर भात भी मेरा बन चुका था, और लौकी को मैंने उबालने के लिए भी दे दिया था। और एक बात बता देते हैं, अभी तक मैंने नहाया नहीं था, हस्बैंड ऑफिस गया और इतना सारा मैं काम कर रही थी, और काम ख़त्म होते मैं चल जाऊँगी नहाने के लिए, तो इधर मेरा बेटा सोया हुआ था, तो मेरा काम ख़त्म होते फिर मैं जाऊँगी नहाना। तो ससुर जी के लिए मैंने बनाया था उपमा, तो ससुर जी के लिए मैंने उपमा बना दिया था। और इधर फिर तेल गरम कर लिया और मछली में फ्राई कर लूँगी। ससुर जी उपमा खाए तो इतना सब बच गया था, उसको मैंने हटा के रख दिया था। और पहले मैं मछली फ्राई कर लेती हूँ, और कैसे मैं मछली का झोल बनाती हूँ फुल रेसिपी आपको आज देखने मिलेगा। और पता है मेरा यूट्यूब पेज है अमर रान्नाघर बोल के, अगर अभी तक आप लोग फॉलो नहीं किए तो जाके मेरे पेज को फॉलो कर दीजिएगा,
तो ये जो मछली का मुंडी है इसको मैंने भून के रखा था क्योंकि लौकी का सब्जी का साथ देंगे, तो इधर मैंने लौकी का सब्जी चढ़ा दिया था और लौकी का सब्जी में मैंने दिया था तेल और तेजपत्ता और प्याज, और जो मछली वाला मसाला वही मसाला देंगे। मछली वाला मसाला में मैंने दिया था अदरक लहसुन प्याज टमाटर, और जो बना हुआ मेरा मसाला है उसको भी इसका साथ ऐड कर दिए थे। तो ये लौकी वाला सब्जी में मैं डाल देती हूँ और अच्छा से मसाला को फ्राई कर लेती हूँ। फिर इसमें डाल दूंगी नमक हल्दी, नमक हल्दी देके मैंने सिझाया था, लेकिन मसाला को जब ये करेंगे थोड़ा सा नमक हल्दी उसमें देंगे, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, और देंगे आपका टमाटर। तो मसाला को मैं बहुत अच्छा से भूनने के बाद लौकी को ऐड कर दिया था। तो ये लौकी माछ का माथा वाला माथा देके जो लौकी का सब्जी है वो बन के हो चुका था तैयार। तो ये माछ का झोल के लिए था प्याज टमाटर मसाला और आलू। और एक बताते हैं, आलू को मैंने थोड़ा सा उबाल लिया था और ये गोटा गर्म मसाला और तेज़पत्ता, तेल गर्म हो गया था आप मैं डाल दूंगी उसमें गोटा गर्म मसाला और तेज़पत्ता। इस तरह से मछली का झोल बनाइएगा, तरी वाला बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और मेरा घर वाला सबको ये वाला ज़्यादा पसंद करते हैं, तो यही वाला मैं ज़्यादा बनाती हूँ। या दो और इससे बड़ा कतला रहता तो दो ही कतला बनाते, तो और आज मेरे पास दो ही अवेलेबल भी नहीं था, इसी वजह से मैंने नहीं बनाया था। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग के हेल्प का मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप लोग को जैसे पता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो कोई भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं दिल से थैंक यू सो मच, क्योंकि धीरे धीरे हम एक फैमिली बनते जा रहे हैं। आप सबको दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए, और ज़्यादा मुझे सपोर्ट कीजिए। आप लोग को जैसे पता है 1000 सब्सक्राइबर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए जल्दी जल्दी मेरे चैनल को 1000 सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। तो इधर जो है टमाटर मैंने फिर दे दिया था मछली का झोल में, मसाला को बहुत अच्छे से कसाने के बाद आप इसमें दे दूंगी मैं नमक, और थोड़ा सा पानी देके मसाला को ढक दूंगी। थोड़ा पानी देने से मसाला बहुत अच्छा से जो है पक जाता है। तो यहाँ पे मैंने मसाला को पकाने के लिए दे दिया था और डाल दिया था मैंने थोड़ा सा पानी। आप डाल दूंगी जो आलू मैंने हल्का उबाल लिया था, अभी का आलू सीझता नहीं है, तो उबालने के बाद मैंने मसाला में आलू डाल दिया था। इसमें आप डाल दूंगी पानी और पानी डालने के बाद मैंने थोड़ा सा ही हो गया, मेरा मोबाइल गिर रहा था इसी वजह से, तो आप इसमें डाल दूंगी मैं पानी डालने के बाद थोड़ा देर तक इसमें उबाल आने का इंतजार कर लूंगी। फिर मैं सारा मछली इसमें, देखिए उबाल बहुत अच्छे से आ चुका है, अब मैं सारा मछली जो है एक एक करके इसमें डाल दूंगी। तो बन गया मेरा तरी वाला मछली का झोल, ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा, अच्छा लगे तो कमेंट से लाइक कीजिएगा। तो आज का लंच कुछ इस तरह का ही था, भेज डाल था और आपका लौकी का मछली का माथा देके सब्जी था और मछली का झोल था, सिंपल सा लंच था। क्योंकि आज मैंने गर्मी का वजह से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बनाया और गर्मी बहुत ज़्यादा है, इच्छा नहीं करता गर्मी में बहुत सारा खाना बनाने का और खाने का, कोई चीज़ का भी इच्छा नहीं करता। इतना काम इधर किचन में होने के बाद तब तक मेरा बेटा उठ गया था, इसको मैंने खिला पिला के बैठा दिया था पढ़ने के लिए, क्योंकि इसका होमवर्क कंप्लीट नहीं था, ट्यूशन आने वाला था, तो मैंने इसको होमवर्क करने के लिए इधर बैठाया। और ये ड्रेसिंग टेबल मैंने साफ़ कर दिया था, लेकिन ये टेबल अभी तक साफ़ नहीं हुआ है, तो ये टेबल साफ़ करना है। कूलर अभी नहीं लगाएंगे इसका, और देखिए इसका पढ़ाई हुआ कम्प्लीट, अभी 1:30 बज रहा है ये पढ़ के उठा है, तो 1:30 बजे उठने के बाद इसको नहा लिया था अपने खुद। अभी शाम का वक्त है, मेरा हस्बैंड ऑफिस से आ चुका, देख रहे कितना पानी का बोतल खाली है, अभी मुझे भरना है। और इधर मैंने सांझ भी कर लिया था, सांझ बाती कंप्लीट हो चुका था, मेरा हस्बैंड ऑफिस से आने के बाद उनको मैंने चाय दे दिया था, और बेटा को भूख लगा था उसके लिए मैं बना रही हूँ ब्रेड, तो ब्रेड मैं बना रही हूँ उसके लिए, उसको बहुत ज़्यादा भूख लगा, तो वो बोला मम्मा उस दिन जैसे आप बर्गर बनाए थे उस टाइप का ब्रेड बना दीजिए। मैंने बोला ठीक है, तो मैंने कहा तवा में लगाया था थोड़ा सा घी, घी दे के ब्रेड को सेक लिया था, अब मैं इसमें अंडा दे दिया था और अंडा को भूनने के बाद ब्रेड का अंदर ऊपर रख दिया था। आप में सॉस देके और एक ब्रेड रख दूंगी। तो ये था बेटा का शाम का टिफिन, और ये टिफिन करने के बाद बेटा चल गया था एक बर्थडे में, सामने वाला जो सोनू बोल के मेरा वीडियो में बहुत सारा वीडियो में है, तो सोनू का बर्थडे था, तो सोनू का बर्थडे में मेरा बेटा गया था, हमको भी बुलाया था लेकिन मैं नहीं गई क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे गर्मी लग रहा था, और गर्मी में पता मुझे कहीं जाने का मन नहीं होता। तो बेटा का नाश्ता आप देख सकते हो, तो बेटा को मैंने टिफिन दे देती हूँ एंजॉय करने के लिए। ये था रात का फिर डिनर, फिर मिलते हैं कल, गुड नाइट।